हमने अगर इस सेवकाई को चलाया है, हम ये नहीं कह सकते हमने चलाया है। ये सेवकाई चली है तो सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के कारण। जीरो से शुरुआत की थी, माइनस से जीरो भी नहीं कह सकते, माइनस से शुरुआत करी थी, कर्जों से शुरुआत करी थी। वो समय में हम पर इतना कर्ज था कि उतने कर्ज में ये सिटी में एक टूर्नामेंट आ जाता था वो टाइम में, और इतना कर्ज सिर पर लेकर इस सेवकाई की हमने शुरुआत करी थी और दौड़ते रहते थे प्रभु के काम के लिए। लोग पूछते थे क्या करोगे, कहाँ से लाओगे, मैरिज होगा तो क्या खिलाओगे। हम यही बताते थे जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो फेथफुल है। कुछ नहीं रहता था लेकिन दिल में आराम होता था, सुकून होता था। एक चाय 10 लोगों के बीच बांट कर पी लेते थे लेकिन कभी कुड़कुड़ाहट नहीं करते थे। प्रभु एक चाय हमें बांट कर पीनी पड़ती है, हम तो तेरी सेवकाई में आए, ये हमें मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, पूरा दिन का फास्टिंग हो और शाम को एक कप चाय मिले, दो कप चाय मिले, हम 10-11 लोग बांट कर पी लेते थे लेकिन खुश रहते थे। शाम को मीटिंग रहती, आनंद से आराधना करते, वचन देते, लोग चंगा होते और खुश होते होते हम रिटर्न होते थे। गाड़ी मांगने 12 बजे हम निकलते थे, गाड़ियां नहीं रहती थी, लोग आज देखते आपके पास ये गाड़ी वो गाड़ी, लेकिन शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। आप जो देख रहे हो लेकिन इसके पीछे की स्टोरी आप नहीं जानते होंगे कुछ लोग प्यारो। हमें जब सुबह मान लो 5 बजे निकलना होता था मिनिस्ट्री के लिए, हम रात को 12 बजे गाड़ी ढूंढते होते थे क्योंकि पैसा नहीं होता था गाड़ी हायर करने का। अब 10-12 लोग हैं, बाइक पर तो नहीं जा सकते, और जाना होता था 5-6 घंटे की दूरी पर कोई दूर दराज गाँव में। 11 बजे 12 बजे गाड़ी ढूंढते थे। आपको पता है हमें देर क्यों होती थी गाड़ी ढूंढने में? क्योंकि हमें सबसे सस्ती गाड़ी ढूंढनी होती थी। इतने पैसे नहीं होते थे कि कोई भी गाड़ी पर हाथ लगाओ और बोलते चलो आप आ जाओ, आज सुबह हमें निकलना है। 5 बजे निकलना होता था, 12-12 बजे हम गाड़ी ढूंढते हैं कि सबसे चीप गाड़ी कहीं से मिल जाए। और आखिर में एक अंकल जी हमारे हाथ आ गए थे, उनको कोई नहीं ले जाता था क्योंकि इतने जाड़े चश्मे थे उनके और खखड़ दर्ज टाटा सुमो थी उस समय में उनके पास, तो ज़्यादातर लोग उनको नहीं ले जाते थे। तो हम उनको बोलते चलो आप आ जाओ अंकल, आप हमारे साथ चलो। सबसे सस्ते में वो आते थे, हम नहीं देखते जाड़े चश्मे है, खखड़ दर्ज गाड़ी है, ले हम निकल जाते, आनंद करते, हालेलुया। लोग आज गाड़ियां देखते हैं लेकिन इसके पीछे एक समय था जब हमने जीरो से शुरुआत करी थी प्यारो। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है जो हम पर आज तक बना रहा है, जीरो से पहाड़ पर लाया है और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और जब आप इस सेवकाई से जुड़े हो वो अनुग्रह आपके जीवनों में भी बहेगा। आमेन। आप भी जीरो से पहाड़ पर जाने वाले हो। आप जहां हो वो आपका स्थल नहीं है, वो आपकी फाइनल डेस्टिनी नहीं है, आपको ऊंचाई पर प्रभु ले जाएगा। बस जरूरी आप विश्वास में बने रहिए उसके अनुग्रह में। जैसे हम गा रहे अब दी आराम, आराम से जिए ना, क्यों फिक्र करते हो, उसका अनुग्रह काफी है, वो संभालेगा, वो उठाएगा। आप निर्बल हो गए कोई बात नहीं, वो आपको अपना बल देगा। हालेलुया, कि वो विश्वास योग्य है, उसका अनुग्रह काफी है। हालेलुया।